हेलो, मैं स्टूडेंट साहब बात कर रहे थे म्यूनिसिपल आर्ट काफी फोर है कंस्ट्रक्शन नंबर 20 कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन इट। तो पहले तो ये ट्राइंगल बनेगा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का इधर से दीजिए और 4.5 का इधर से। इस टाइप का एक ट्राइंगल फिर इस साइड पर या इस साइड पर या नीचे साइड पर एक तरफ जैसे इधर बनाना है तो बी और सी को सेंटर मान लो और बी सी की रेडियस 4 सेंटीमीटर की रेडियस से इधर अंक लगाया और 4 का इधर लगाया, इसको डार्क लाइन से मिलाया, इसका नाम डी लिखिए। देखिए ये बन गया इक्विलेटरल 4 4 4। आपको इसके अंदर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वर्टेक्स को ए से मिलाना है। ऐसा करने से इसने बीसी को जहां काटा उसका नाम पी लीजिए, ये पॉइंट आपको पी मिल जाएगा। फिर पी से बी ए के पैरल यहां से लाइन इसके पैरल खींच जाएगी, इसका नाम क्यू कर दो। ये पैरल लाइन यहां पे खींच दीजिए, देखो बना रही है तो पैरल हो गया। फिर यहां से बीसी के पैरल लाइन ये लाइन है, इसके पैरल लाइन ऐसे खींचना है तो ये लाइन इसके पैरल लाइन इसका नाम लिख दीजिए आर और आर को पीछे मिला दीजिए। ये पी क्यू आर जो आपको बना हुआ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। एक बार देखें, पहले गिवन मेजरमेंट से ट्राइंगल बनाएंगे ए बी 5, इधर से 4 का कर दिया, इधर से 4.5 कर दिया, इसका नाम थी ए बी सी ट्राइंगल बन गया। फिर इसकी किसी भी साइड में बी सी की तरफ या ए सी की तरफ, अगर ए सी तरफ बनाएंगे तो 4.5 है, इधर से 4.5, इधर से 4.5 का इधर ही बना सकते हैं। नीचे 5 है तो इधर 5 का, इधर 5 का करना है, इसी तरफ इधर 4 था तो हमने 4 का ये लगाया, 4 का ये दिया, डी बना, दोनों को मिला दिया। फिर इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से आमने सामने से मिला दिया। ऐसा करने पर बी सी को ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उसका नाम पी लिख देंगे। फिर पी से ये जो ए बी लाइन है ट्रायंगल यही है भाई, इसके पहले लाइन पी क्यू ड्रा कर देंगे और फिर क्यू से बी सी के पैरेलल लाइन क्यू आर ड्रा कर देंगे, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अब सिर्फ इस पॉइंट को इससे मिला देना है तो पी क्यू आर इज ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लास्ट में दिखाना होगा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन जैसे बताएं वैसे लिखे जाएंगे। तो यही आपको आज सारे कर लेना, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।